फरीदाबाद में स्लम क्षेत्र की बस्तियों में चुनावी मौसम में पानी की समस्या को लेकर विपक्षी पार्टियों ने इसे मुद्दा बनाना शुरू कर दिया है। हालांकि गर्मी के मौसम में पानी की किल्लत होना आम बात है, लेकिन जब पानी की किल्लत के चलते गरीब लोग परेशान होते हैं तो सड़कों पर उतरकर विरोध करना उनकी मजबूरी बन जाती है। इसी के चलते क्षेत्र के लोगों ने सर पर मटके लेकर कांग्रेसी नेता बलजीत कौशिक के नेतृत्व में नगर निगम मुख्यालय पर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और नगर निगम के चीफ इंजीनियर को इससे अवगत कराया। इस पर सुनवाई करते हुए चीफ इंजीनियर ने आज रात तक खराब पड़े ट्यूबवेल को दुरुस्त कराने का आश्वासन देकर प्रदर्शनकारियों को शांत करवाया है। छापने का काम है। भास्कर साहब, कुछ लोगों ने प्रदर्शन किया है जी, क्या मामला है पूरा और कहां कहां ये दिक्कतें हैं? देखो, ये बलजीत कौशिक जी आए हैं, ये हमारे भूतपूर्व विधायक आनंद कौशिक जी के छोटे भाई हैं, कांग्रेस से हैं, और ये स्लम बस्ती के कुछ लोग इनके साथ हैं। स्लम बस्तियों में ये कह रहे हैं कि पानी की समस्या है। वैसे हमने स्लम बस्तियों में भी पीने के पानी का प्रबंध कर रखा है और ये बता रहे हैं कि कुछ ट्यूबवेल ख़राब है। अभी जैसे जानकारी में आया है, इन ट्यूबवेलों को आज रात तक सभी को ठीक करा दिया जाएगा और इनके यहाँ पानी की समस्या पहले भी कई बार महीने से परेशान है। ऐसा ये अभी ऐसा कुछ नहीं है कि अभी जानकारी में आया है, अगर 4 महीने से खराब है तो कोई बिना पानी के नहीं रह पाता। पहले भी शिकायतें दिए गए कोई? ना ना ना, ऐसा कोई शिकायत नहीं है। ये अभी शिकायत आई है, कहीं भी गए होंगे। देखो अभी हमारे पास नगर निगम में समाधान हो जाएगा तो इनकी समस्या का हल रात तक करा दिया जाए। जो अवैध दोहन कर रहे हैं उनके लिए सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड ने एक कमेटी बनाई हुई है जिसके अध्यक्ष डिप्टी कमिश्नर साहब हैं और उसमें SDM और भी अधिकारी उसमें होते हैं और उनके खिलाफ वही कार्रवाई करते हैं। निगम उनको सपोर्ट करता है, जब भी वहाँ से सपोर्ट मांगे जाते हैं तो सपोर्ट की जाती है। बीजेपी सरकार मूलभूत सुविधा। आपका नाम क्या है? रंधावा भागना, मिलाड़ कॉलोनी निवासी। बीजेपी सरकार बिल्कुल मूलभूत सुविधाएं देने में बिल्कुल बेकार है, निकम्मी है, नकारा है। इवन पानी की समस्याएं भी नहीं दे सकती। डेढ़ डेढ़ महीने हो गए ट्यूबवेल को खराब पड़े हुए, ट्यूबवेल खराब पड़े हैं बनाने के नाम पे। JSDO ये कहता है कि जी पार्षद के पास जाओ, पार्षद कहता तुमने मुझे वोट नहीं दी। बिल्कुल बदले की राजनीति हो रही है। पार्षद कहता तुम हमारे एरिया में वोट नहीं दिए तुमने, तुम्हारा हम ट्यूबवेल सही नहीं करेंगे। और सारे के सारे ट्यूबवेल रामनगर में खराब पड़ा है, मिलाड़ कॉलोनी में खराब पड़ा है, संजय नगर में खराब पड़ा है जिसको 4 महीने बाद बनाया गया है। मिलाड़ कॉलोनी का ट्यूबवेल पिछले 1.5 महीने से खराब पड़ा है, जिसको रोज आश्वासन दिया जा रहा है कि आ जाएंगे। अभी गर्मी की शुरुआत हुई है और पानी का बहुत बुरा हाल है, पब्लिक त्राही त्राही। कहाँ कहाँ शिकायत की आपने? हाँ जी, शिकायत कहाँ कहाँ पे करी थी? शिकायत सर ये नगर निगम पे की है, पब्लिक गई है, पहले गोयल के पास गई है, पार्षद के पास गई है। पार्षद सीधा ये जवाब देता है कि तुम हमारे पास नहीं आते हो, तुमने हमें वोट नहीं दिए, वहाँ जाओ आगे। विपुल गोयल के पास गए हैं, वहाँ कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ, पब्लिक परेशान हो गए, त्राही त्राही करके। तब विधायक जी बलजीत कौशिक जी के पास आई है, उनके नेतृत्व में लेके आज जो प्रदर्शन किया गया है पानी के लिए को किया जा रहा है। फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र में कॉलोनी में झुग्गी झोपड़ी में सेक्टरों में पानी की इतनी किल्लत है, अभी इसकी गर्मी की शुरुआत है। अभी ये हालात हो तो आने वाले टाइम में क्या हालात होंगे? इसी चक्कर में भाजपा सरकार बिल्कुल फेल है। आने वाले चुनाव में जनता बता देगी कहाँ खड़ी है ये बीजेपी सरकार। किसको ज्ञापन दिया जाएगा? कमिश्नर साहब को ज्ञापन देंगे। अभी मटका फोड़ प्रदर्शन था, कहाँ कहाँ पे पानी नहीं आ रहा, कब से नहीं आ रहा? रामनगर में नहीं आ रहा, इसी नगर में नहीं आ रहा, ओल्ड में नहीं आ रहा, पटेटो में नहीं आ रहा, इंदिरा कॉलोनी आ रहा है, क्या नाम है, कचरा कॉलोनी आ रहा है, मलाड कॉलोनी आ रहा है, बहुत भारी परेशानी है। कितने दिनों से नहीं आ रहा? 3-4 महीने हो गए। हर पानी लेने जाते हैं लाइन से, 2-3 एक्सीडेंट हो गए, एक्सपायर हो चुके हैं पानी। छोटे छोटे बच्चे जाते हैं पानी लेने के लिए, 2 आदमी कट चुके हैं। मुंदई जी, किस बात को लेकर प्रदर्शन किया आपने? पानी के लिए। पानी के लिए क्या दिक्कत हो रही है? पानी नहीं आ रहा हमारे यहां, पानी बिना इतने परेशान का कुछ कह रहे, पानी बिना इतने परेशान है। लैंड पार पानी लेने जाते हैं तो वो लोग लेने नहीं देते पानी। अच्छा। कल 6 लेडीज बची है, छोटे छोटे बच्चे जाते हैं, वो डिब्बा ले लेते लुढ़क जाते हैं, इतने परेशान है। हम बीपीएल गोल के पास गए थे, हम वहाँ हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। हम उसके गए थे धर्मपाल के पास, उन्होंने भी कोई हमारी सुनवाई नहीं की है। हम बहुत परेशान हैं, हम 2-3 महीने से घूम रहे हैं, भाग रहे हैं, किराया लगा लगा के वापिस आ रहे हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है तुम्हारा बोलो अब। कुछ भी नहीं करा इसमें अभी तक हमारे कॉलोनी के अंदर।
बोलना हम चाहते हैं भैया भी एक दूसरे आई है बोलने की क्षमता नहीं है उसको। आप अदर व्यवहार करते हैं बदतमीज बनाकर बोलता है तू चढ़ाक बोलता है बता लेट सोचने क्षमता होती है क्या बोलने की मैं दिल को धमका